विकास की इस महान यात्रा में भूमि अधिग्रहण की जा रही है या तो की गई है। अब लोगों के बीच कंपनी के खिलाफ आक्रोश उभर आया है और वे लोग सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। रामगढ़ जिले के प्रखंड मांडू के अंतर्गत ऐसे 7 गांव हैं जिनकी जमीन परेजपुरी उत्खनन परियोजना के नाम पर अधिग्रहण की गई है, लेकिन उन्हें अभी तक ना तो सही रूप से मुआवजा मिल पाया है और ना ही नौकरी। सबसे पहले तो नेता जन आए थे कि आप लोग जमीन दीजिए। हमारे माता पिता वो लोग अनपढ़ थे, जबरदस्ती उन लोग को ठेका करवाया गया कि आप लोग जमीन दीजिए और उसके बदले में हम लोग रोजगार देंगे। और यहाँ के 6 गांव, यहाँ पर जितना भी 6 गांव है उन लोग को रोजगार मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आज नहीं मिल रहा उन लोगों को। क्यों नहीं मिल रहा है? क्या उसका जमीन नहीं गया हुआ है? क्या क्या दलालों का जमीन गया हुआ है उस दम पर? आप लगा जब चलता था तो 1500 रुपया मजदूर को मिलता था और आज 20 से 25 साल हो गया है। दाल चावल का रेट उसमें 2 रुपया के जी, 1.5 रुपया के जी, 4000 रुपया, आज भी 1500 रुपया का आपका मजदूरी नहीं बढ़ा है। जब कंपनी आई थी उस समय कंपनी ने बोला था कि यहाँ पर बिजली देंगे, पानी देंगे, शिक्षा के लिए देंगे या चिकित्सा देंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग को अभी तक कुछ भी नहीं मिला। तो इसके विरुद्ध में हम लोग ने यह धरना प्रदर्शन किया और सीसीएल ये कर रही है जो 1983 में अधिग्रहण किया था हमारे जमीन को, उसी रेट से दे रहा है आज हम मतलब मौजा। 21 सूत्री मांग पत्र सीसीएल प्रबंधन को दिया है जिसमें बहुत सारा मांगे है, जिसमें प्रमुख मांगे हैं कि जो फिलहाल MPL कंपनी यहाँ आई बिना ग्रामीण के राय मशवरा से चालू हुआ, जब हम लोग उसको बंद करने के लिए गए तो उल्टे से हम ही लोग को मार भगाने की बात सीसीएल दलालों ने किया। उसके साथ ही हम लोग यहाँ जो बिचौलिया और प्रबंधन मिलकर निगरानी समिति बन के यहाँ के स्थानीय लोगों को, मजदूरों को अपना सही हक नहीं दिला पा रहे हैं, उससे जो मजदूरी मिलना चाहिए था वो आपस में ही बांट कर उस मजदूरी को खा जा रहे हैं। हम लोग का जो संस्कृति है वो आज जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक जीवित है। जहाँ हम लोग जाएंगे वहाँ भी हम लोग, ऐसे तो हम लोग अपना संस्कृति को बचाने के लिए संघर्षरत हैं और संघर्षरत रहेंगे, वहाँ भी अपना संस्कृति को बचाने के लिए ही कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। लेकिन हम लोग पहला कदम हम लोग सीसीएल अगर उठा रही है तो उसको अपनी संस्कृति को देखते हुए, उसको भी हमारी संस्कृति के जो भी सरना मंडई पूजा स्थान हुआ या और भी जो संस्कृति के संबंधित आता है उसको व्यवस्था करने के लिए बोलेंगे। अगर नहीं व्यवस्था करती है तो हम लोग सीधा सीधी हम लोग विस्थापन नहीं होंगे। विकास परियोजना के नाम पर जो लोग जमीन देते हैं उनका विकास क्यों नहीं हो रहा है? बाहर से लोग आकर पैसा बनाते हैं, अपना विकास करते हैं, लेकिन यहाँ के जमीन मालिकों का विकास अब तक नहीं हो पाया है। मैं आप सभी वीडियो देखने वालों से अपील करती हूँ कि इन लोगों की मदद करें ताकि इन्हें उनका अधिकार मिल सके। मैं बसंती सोरेन, प्रखंड मांडू, जिला रामगढ़, झारखंड से इंडिया अनहर्ड के लिए।